बताओ तैयारी कहाँ से की? घर से, यानी कॉपी से की है। यार ये तो द बॉयज निकला, घर से पेपर पहला है, टेंशन तो नहीं है? नहीं टेंशन नहीं है। चलो भाई पहला बच्चा मिला जिसे टेंशन नहीं है। भाई हमारा ये सवाल है कि आपकी फर्स्ट यूट्यूबर है ना आप, आपकी फर्स्ट अर्निंग कितनी आती? अस्सलाम वालेकुम। तो भाई जिसका था इंतजार वो वक्त आ गया है। पीछे आपको जो है वो बच्चे नजर आ रहे हैं, क्लास 9 के या मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम आज से जो है वो स्टार्ट होते हैं। तो भाई बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं, तासुरात लेते हैं, बच्चों से इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि भाई अभी जो है वो पेपर आज पहला है और पेपर अभी स्टार्ट होगा कंप्यूटर का है, तो इनसे बात करेंगे। तो देख के लग रहा है कि भाई बच्चे जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हैं, क्योंकि भाई पहला पेपर है ज़िंदगी में, पहली बार ये लोग बोर्ड देंगे। तो आओ इन लोगों से बात करते हैं और इन लोगों से पूछते हैं कि भाई पेपर में जो है वो कैसी तैयारी कर कर आए हो। तो चलो इनकी तरफ चलते हैं, हमारे साथ हैं शामिर से पूछते हैं। भाई शामिर तैयारी कैसी है? अच्छी है तैयारी तो वैसे कंप्यूटर का, लेकिन हमारा पहले एक्सपीरियंस है, डर लग रहा है बहुत यानी कि, लेकिन इंशाल्लाह अच्छे आएंगे पेपर। अच्छा शामिर भाई ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पेपर शुरू होने वाला है, डरे हुए तो नहीं हो? डर तो लगेगा ना, पहला पहला एक्सपीरियंस है। तो भाई डर लगेगा लेकिन कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा। तो चलो आओ भाई इनसे पूछते हैं तैयारी कैसी है। भाई मेरी अच्छी तैयारी है। अच्छा भाई और से पूछते हैं, भाई तैयारी कैसी है? तैयारी हमारी है थोड़ी बहुत है माशाल्लाह से, तैयारी अच्छी है। तो भाई इन लोगों की तैयारी अच्छी है और लोगों से पूछते हैं तैयारी कैसी है। हमारे साथ और स्टूडेंट भी मौजूद है, पूछते हैं भाई तैयारी कैसी है? काफ़ी अच्छी तैयारी करके हैं, अल्लाह मालिक है, 9 का पेपर है। अच्छा एडमिट कार्ड सब चीज़ें लेकर आए हो ना, वाटर बॉटल टिश्यू विश्यू सब है ना? जी सब लेकर आए हैं अभी तो। अच्छा भाई तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है, अब अंदर जाएंगे तो बैठेंगे करेंगे, अच्छा पेपर जाएगा इंशाल्लाह। आग लगा दोगे ना? चलो भाई आग लगा देंगे। हाँ भाई तैयारी कैसी है? मेरी बहुत अच्छी तैयारी है। चलो भाई इसकी तो बहुत अच्छी है। हाँ भाई गैस पेपर से किया है या बुक से कर कर आयो? मैंने बुक से करी है पूरी तैयारी। स्टूडेंट जो है वो मौजूद है, आओ इनसे पूछते हैं कि तैयारी कैसी है। भाई तैयारी कैसी है? VIP। भाई तैयारी VIP और 3-2-1 पिल्लो हो जाएगा ना पेपर में? पोयो ऑयल भी होगा, पोयो ऑयल भी होगा, लिखोगे ना पेपर VIP। चलो भाई इंशाल्लाह सारे इनका पूरा ग्रुप आया हुआ है और तैयारी इनकी अच्छी है, इंशाल्लाह पेपर जो है अच्छा। साथ और जो है वो स्कूल के स्टूडेंट्स मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं भाई तैयारी कैसी है? तैयारी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पेपरों में आग लगा दोगे ना? हाँ लगा देंगे भाई इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई कंप्यूटर का पेपर अच्छा होगा। अच्छा भाई सच में आग नहीं लगानी, मतलब पेपर पूरा करना है? हाँ बस पेपर ही पूरा कर लेंगे। अच्छा ये बताओ तैयारी कहाँ से की? घर से, यानी कॉपी से की है। यार ये तो द बॉयज निकला, घर से तो की है लेकिन कॉपी से, नोट से, गैस पेपर से, रेफरेंस से, रेफरेंस से? भाई रेफरेंस से तैयारी की है, नहीं नोट से तैयारी की है। अच्छा भाई हमारे पास एक और स्टूडेंट है, उनसे पूछता तैयारी कैसी है? तैयारी तो बहुत जबरदस्त है, आउटस्टैंडिंग तैयारी है। चलो भाई तैयारी आउटस्टैंडिंग है इंशाल्लाह, देखो पेरेंट्स भी मौजूद हैं, तो इनसे पूछते हैं कि अंकल भाई आपके बेटे की तैयारी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है उसकी। चले इंशाल्लाह आग लगा देगा ना पेपर में, यानी पेपर पूरा करेगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेपर पूरा करेगा इंशाल्लाह। अच्छा कुछ कहेंगे बच्चों के लिए कि भाई तैयारी कैसे करें या क्या करना चाहिए? बच्चों को चाहिए कि अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें, हर पेपर के लिए बहुत अच्छी तैयारी करें, बहुत अच्छा याद करें ताकि अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और हमारी तमाम बच्चों के लिए दुआ है कि उनको अल्लाह ताला कामयाब करे और अच्छे से अच्छा पेपर देने की टॉपिक अता फरमाए। तो चलो भाई यहाँ पर विशेस भी आ गई हैं आपके लिए। देखें भाई इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसके बाद आपके पास और भी बोर्ड के एग्जाम है लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है आज का। तो हम भी दुआ करेंगे कि भाई अल्लाह ताला जो है वो सब बच्चों को अच्छे नंबर से कामयाब करे। भाई की तैयारी कैसी है? भाई की तैयारी बेहतरीन है। चलो भाई भाई की तैयारी बेहतरीन है, भाई से भी पूछते हैं भाई तैयारी कैसी है? ये अच्छी है माशाल्लाह। आग लगा दोगे ना पेपर में? लगा देंगे इंशाल्लाह। चलो भाई आग लगा देगा पेपर में और हमारी दुआ है। अच्छा भाई आ जाओ यार तुम, आ जाओ। तैयारी कैसी है? माशाल्लाह बहुत अच्छी है। पेपर पहला है, टेंशन तो नहीं है? नहीं टेंशन नहीं है। चलो भाई पहला बच्चा मिला जिसे टेंशन नहीं है। गैस पेपर से तैयारी की नोट से? मैंने अपनी मेहनत से की है, जो 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 इम्पोर्टेंट लग रहा खुद की है। तो मेहनत से भी की है लेकिन गैस पेपर या नोट्स? उससे किए, नोट से भी किए और मॉडल पेपर से भी किए। चलो भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले थे लेकिन वो बताया नहीं क्योंकि पहले पूछना तैयारी कैसी है। सो इट इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस भाई के इतने क्राउड में वीडियो बनाना, लेकिन बड़ा ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और एक जो है ना छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ बच्चों को जो है ना सेंटर ढूंढने में मसला हो रहा है। तो जब ही बोला था भाई 8 बजे या इससे पहले जो है वो सेंटर ढूंढना ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा याद रखो ये जो है ना वो राशिद मिनास स्कूल है, मुस्लिम स्कूल नहीं है। तो बहुत से बच्चे राशिद मिनास पर आ रहे हैं मुस्लिम स्कूल का नाम लेकर, इस इलाके का नाम लेकर। तो आप जो है वो अपने सेंटर को पहले से देख लेते, वेरीफाई कर लेते, क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे खड़े हुए ना शायद उन्होंने पहले से ही अपना सेंटर वेरीफाई किया हुआ था।
तो ये चीज़ को ध्यान रखना अगले पेपर में। भाई अभी देखो फिक्स जो है वो 9 बज गए, लेकिन अभी एग्जामिनेशन सेंटर का गेट ओपन नहीं हुआ है, जिसकी वजह ये है कि थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि भाई स्टेशनरी लेकर आओ, यहाँ पर तो स्टेशनरी शॉप अवेलेबल है लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। और बहुत से बच्चों को मैं फिर बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो गलत एग्जामिनेशन सेंटर आ रहे हैं। तो अपना एग्जामिनेशन सेंटर रोज़ वेरीफाई कर लेना पेपर देने आने से पहले। और एक और जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो ये हो रही है कि हर दिन अब जल्दी गेट ओपन नहीं होगा एग्जामिनेशन सेंटर का, सिर्फ ये पहले दिन के लिए है। अब जो है वो 15 मिनट 10 मिनट पहले ही अंदर जाने दिया जाएगा, सिर्फ पहले दिन जो है ना आधा घंटा या 20 मिनट पहले अंदर जाने दिया जाएगा। तो अभी 9 बज रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में गेट ओपन होता है। और बच्चों से अभी बज रहे हैं 9 से कुछ ऊपर टाइम हो गया, लेकिन बहुत गर्मी है। तो ये एक बच्चा है जो कि पानी की बॉटल लेकर आया है, लेकिन बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो पानी की बॉटल लाए ही नहीं है। अभी पेपर शुरू नहीं हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों को पानी प्यास लग रही है, प्रॉब्लम हो रही है। भाई ये एक नेचुरल चीज़ है ना, तो भाई पानी की बॉटल लाओ, कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है, गर्मी है, प्यास लगती है भाई। और गर्मी आज ज़्यादा है या कम है? बहुत गर्मी है भाई। भाई तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, पानी की बोतल लेकर आओ और दूसरी चीज़ें लाओ, वरना ऐसा देखो यहाँ इधर की तरफ देखो क्या हो रहा है। अब क्या इतने सारे बच्चों के लिए पानी अरेंज किया गया होगा यहाँ पर? और वैसे यहाँ स्टेशनरी शॉप्स और दूसरी चीज़ शॉप्स तो मौजूद हैं। तो भाई यहाँ पर एक और स्टूडेंट मौजूद है, भाई आए कैसे हो, मतलब पेरेंट्स के साथ आए हो या खुद आए हो? नहीं, खुद आए, बाइक पे आए, बाइक अरेंज करके आए। अच्छा, स्कूल कहाँ था आपका और कहाँ पढ़ा है, मतलब कौन से इलाके में था और कहाँ किस इलाके में पढ़ा है? स्कूल हमारा अपना प्राइवेट सुपर मॉडल अकेडमी है, लियाकताबाद C1 एरिया, दो नंबर। बाकी हमारा सेंटर माशाल्लाह से राशिद मीनास पढ़ा है। अच्छा, देखो भाई बहुत सारे बच्चों का जो स्कूल है ज़्यादा दूर नहीं पढ़ता, क्योंकि भाई उनको भी पता है कि आपने करीब में ही रखना है। तो लियाकताबाद के स्टूडेंट हैं या ज़्यादातर नाजमाबाद नंबर 3 के हो गए या आपके जो हैं वो गोलीमार के हो गए, उन सबका स्टूडेंट ना सेंट्रल राशिद मीनास में पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों का स्कूल भी ना करीब करीब आपके इलाकों में ही पढ़ा होगा, उम्मीद करता हूँ। भाई यहाँ पर हमारे जो है वो स्टूडेंट एक सवाल किया, इनका सवाल भी ले लेते हैं, इतनी देर से हम पूछ रहे हैं, ये भी कुछ पूछ रहे हैं। भाई हमारा ये सवाल है कि आपकी फर्स्ट यूट्यूबर है ना, आपकी फर्स्ट अर्निंग कितनी आती है? तो भाई इसका एक अच्छा सवाल मैं बता देता हूँ। भाई अर्निंग जो है वो कोई एक सोर्स नहीं होता, मुख्तलिफ सोर्स होते हैं। तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। और बहुत अच्छा सवाल है भाई, काफ़ी जो है वो मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, पढ़ने के साथ साथ जो है वो बिजनेस माइंडेड भी है, और ये अच्छी बात है। माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो 9:20 हो चुके हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर का अभी भी गेट ओपन नहीं किया है। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे इस तरफ, वलीद दिखाना ज़रा, इस तरफ भी तमाम बच्चे खड़े हैं मेरे सीधे हाथ पर, इस तरफ पूरा दिखाओ। और पेरेंट्स सबसे पहले ये देखें, पेरेंट्स इस तरफ भी दिखाओ, पीछे की तरफ दिखाओ, सारे पीछे की तरफ, सब बच्चे जो है वो अभी खड़े हुए वेट कर रहे हैं। शायद जल्दी जो है वो इंशाल्लाह ये लोग ओपन करेंगे गेट एग्जामिनेशन सेंटर का। पहला ही पेपर है कंप्यूटर का, आज 9 मई 2023 है। पेरेंट्स भी बार बार जाके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस जल्दी गेट ओपन कर देंगे। कुछ शायद वो नंबर वंबर लिख रहे होंगे सीटों पे, या जो इनिशियल काम होते हैं वो कर रहे होंगे, इस वजह से गेट अभी नहीं खुला है। लेकिन ये पहले दिन है, इंशाल्लाह आगे से ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, सब चीज़ें यूज टू हो जाएंगी, क्योंकि 7 पेपर देने भाई, सारी चीज़ें मैनेज होकर चलती हैं इंशाल्लाह। तो भाई अभी जो है वो टाइम पूछने क्या हो रहा है, और एग्जामिनेशन सेंटर का गेट कब खुलेगा? भाई टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 9:20। 9:20 टाइम देख लो, 9:20 या 9:20 से ज़्यादा जो है वो टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक जो है ना वो एग्जामिनेशन सेंटर का गेट नहीं खुला है। आपको कैमरामैन अगर दिखाए, कैमरामैन अगर आपको दिखाए, तो सारे बच्चे पेरेंट्स सब जो है वो वेट कर रहे हैं और टेंशन में हैं कि भाई पेपर कैसा होगा, क्या होगा। टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा, पहला पेपर है, पहले पेपर की जो है वो टेंशन होती है। अच्छा इधर भी देख लो, यहाँ भी कुछ बच्चे खड़े हुए। चलो भाई मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूँ कि भाई देखो पहले दिन जो है ना वो थोड़ी सी ना घबराहट होती है, पहले दिन थोड़ी सी टेंशन होती है। अभी ये सब आराम से सारे बच्चे अंदर जो है वो जा रहे हैं।